चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा हो। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा हो। बैठा ठाड़ा होयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोय। बैठा ठाड़ा होयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोय। पाँव भरे आगे सोय, पाँव भरे आगे सोय। पाँव भरे आगे सोय, पाँव भरे आगे सोय। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। हो यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। सब अंग इश्क ले के निक सो ब्रह्मांड को। सब अंग इश्क ले के निक सो ब्रह्मांड को। निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़। देखिए इतनी लंबी यात्रा करके हम लोग आए, 28,000 किलोमीटर की यात्रा करके हम आपके पास पहुंचे। लेकिन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके जब आपके पास पहुंचे, आप लोगों ने प्रणाम बोला, तो प्रणाम बोलते ही हमारे लिए सारी व्यवस्था हो गई। एक दूसरे को प्रणाम करते हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी हो गई, रहने की व्यवस्था भी हो गई, ऊपर से सम्मान भी मिल रहा है। ये सारा सम्मान प्रणाम की वजह से है। अगर हम प्रणाम नहीं बोलते तो हमारा सम्मान कौन करता, कौन हमें इज्जत देता? क्योंकि प्रणाम इतना घनिष्ठ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला ये घनिष्ठ संबंध है। दूसरा एक और शब्द है, उसको हम बोलेंगे सुंदर साथ। कितना प्यारा सा शब्द है ना सुंदर साथ। रास्ते में आप अकेले मिलते मेरे को तो मैं क्या बोलता, भाटापारा में एक सुंदर साथ मिले। एक भी सुंदर साथ, दो भी सुंदर साथ, 100 भी सुंदर साथ, 1,000 भी सुंदर साथ, 1,00,000 भी सुंदर साथ। सुंदर साथ कभी अकेला नहीं होता। सुंदर साथ इसलिए बोला जाता है कि वो अकेला भी हो फिर भी वो साथ है। अकेला होते हुए भी अकेला नहीं है वो, क्योंकि महाराज की शक्ति है, उनका ज्ञान है, उनके गुण अंग इंद्रियां सब परमात्मा से मिल गए हैं। अकेले होते हुए भी वो साथ है, संगम के साथ है, अकेले नहीं है वो। तो कई बार हम कहीं आश्रमों में मंदिरों में जाते हैं तो हम यही पूछते हैं कहाँ का सुंदर साथ आया है। और एक मैं आपको बता दूं, भेष भाषा से बाहर यह धर्म है। भेष भाषा से और आडंबर से बाहर ये धर्म की मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे गुजराती सुंदर साथ मेरी नजर में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुजराती भाषा तो यहाँ की है ना। गुजराती भाषा बोलने वाले सुंदर साथ,
मारवाड़ी भाषा बोलने वाले सुंदर सात गुजराती सुंदर सात नहीं हो सकता, गुजराती भाषी सुंदर सात जरूर हो सकते हैं। भाषा तो कोई भी बोल सकता है। जब हम गर्व से आए तो हमने कोई भाषा नहीं सीखी। जब धरती में हमारा जन्म हुआ तो कोई भाषा हम बोलते थे? कोई भाषा नहीं बोलते थे। तो बाहर आने के बाद जिस परिवार में रहना शुरू किया तो भाषा आ गई, इसलिए गुजराती भाषी हो गए हम। गुजराती हमारी भाषा नहीं है, गुजराती भाषा हमने जाना, हमने सीखा, और प्राणनाथ जी की बड़ी प्यारी भाषा है, इसलिए प्राणनाथ जी ने बड़ी सारी चौपाइयां गुजराती भाषा में सुनाई है। इसी तरह से जहां जिस परंपरा में व्यक्ति आता है उस भाषा को वह स्वीकार करता है तो उसी भाषा का वो ज्ञाता होता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, गुजराती परिवार में एक व्यक्ति का जन्म हुआ लेकिन बोल नहीं पाता, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि भाषा का ज्ञान तो है ही नहीं, समझता जरूर है लेकिन बोल नहीं पाता। इसलिए सारे भाषा सारे शब्द संसार के हैं, जगत के हैं, परमात्मा के पास तो कोई भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा है वहां पे? प्रेम की भाषा है। आप प्रेम से एकांत में एकाग्र चित्त होकर के जिस भी भाषा से परमात्मा को पुकार लगाएंगे परमात्मा को स्वीकार हो जाएगा। एक तो प्रणाम शब्द है, दूसरा सुंदर सात शब्द है, और एक शब्द और है जो घर घर में हम लोग करते हैं, वह है पारायण। घर घर में जो हम पढ़ते हैं वो पारायण है। पारायण का मतलब होता है पार प्लस अयन, जहां पे बैठने के बाद परम धाम हमें दिखना शुरू हो जाता है ना। जो पार का जो अयन, अयन का मतलब होता है घर, जहां परम धाम हमारा छूट गया था, जिसके सामने बैठने से दिखना प्रारंभ हो जाता है, उसको हम बोलेंगे पारायण। तो पारायण में हमें परायण होकर के एकाग्र होकर के पारण का पाठ करें, प्रणाम शब्द को जीवन में मंत्र की तरह स्वीकार करें, और मजे हुए पक्के सुंदर साथ बन करके हम रहें तो हमारा जीवन परमार्थमय और परमात्मामय बन जाएगा। एकात्म के सूत्र में हम सब बंध जाएंगे। पर खेल देखते देखते खेल रूप हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे में विस्मृति आ जाती है। आत्मा स्मृति रखते हुए हम खेल देखें, आत्मा विस्मृति की दशा में हम खेल देखते हैं तो खेल रूप बन जाते हैं। इसलिए हमें जागते हुए खेल देखना है, पहचानते हुए खेल देखना है। देखिए आज आप जागे हुए हैं, खेल तो संसार देख ही रहे हैं, खेल अभी छूटा नहीं, पर राज्य को दिल में बसा करके आप खेल देख रहे हैं ना। इसलिए राज्य को हृदय में बसा करके खेल देखने का आनंद ही कुछ और होता है। कहाँ है तेरा वतन न हमारा घर तो परम धाम, अपना घर इतने साथ जे चौदे भवन में कित जे, ता कारण बालो जी करे रे पुकार तुम क्यों सूते इत जे। हमारा घर परम धाम है, जो श्रेष्ठ धाम निज धाम भी जिसको कहा जाता है वही आत्मा का घर है। बाकी जितने भी धाम है, आपने सुना ना विराट पट, विराट पट की पहली रचना तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना बंगलाजी में ही हुई। लालदासी महाराज के सब दासी महाराज मिल करके विराट के नक्शे बनाते थे। आज वे पन्ना में जाएंगे तो हस्तलिखित विराट के नक्शे मिलते हैं। और हमारे कालिम्पोंग में भी एक यहाँ से लेकर के ये जितना लंबा हॉल है ना, इतना ही लंबा एक हाथ का पेंटिंग का विराट पट है नक्शा, पुराना गुरु महाराज के समय से है। पर हमारे रणछोड़ वीर जी ने क्या किया, उन्होंने उसको और शास्त्रों की भाषा में सजाते हुए प्रिंट कर दिया, छपा दिया उसको। जो हस्तलिखित रूप में विराट पट चलता था उनका परिमार्जन करके उसको प्रकाशित किया, उन्होंने छाप दिया, इसलिए प्रणामी समाज में वे प्रसिद्ध हुए। तो आप जानते हैं कि विराट पट से हमें क्या पता लगता है, स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, शून्य कहाँ है, निराकार कहाँ है, गौलोक धाम कहाँ है, केवल धाम कहाँ है, अक्षर धाम कहाँ है, परम धाम कहाँ है, हमको स्पष्ट हो जाता है ना कि लोकालोक किसको कहा जाता है और धाम किसको कहा जाता है, सारा स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग को ही परम धाम मानते हैं, वैकुंठ को ही परम धाम मानते हैं,
पर हमें तारतम वाणी के माध्यम से पता चल गया कि परम धाम तो सबसे परे का धाम है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर रहिए। पूरी तरह हमको ज्ञान हो जाना तीसरे प्रश्न का जवाब है। फिर नारतों को न खसम के चौथा प्रश्न किया, आप किसकी अंगना हो? तो स्पष्ट हम सेवा पूजा में पाठ करते हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हिन्ना और न जानो बात, इसक सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। हम राज्य की अंगना है, राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, राज्य अक्षरातीत हैं, वो हमारे ऊपर राज करते हैं, हमारे हृदय में बैठ करके जो राज करते हैं, इसलिए हम उनको राज कहते हैं और सम्मान से जी राजी उनको कहते हैं, और उनके अल्लादिनी शक्ति को श्यामा जी कहते हैं। उनके साथ 12,000 जो बैठे हैं हमारी परातम है, जो ब्रह्म सृष्टि के रित में राज श्यामा के साथ मूल मिला में बैठती है, 25 पक्ष में परिभ्रमण करती है, तो हमारा घर परम धाम और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना। फिर तू जागत है कि नींद में, आगे एक पांचवा प्रश्न किया कि आप जाग रहे हो कि नींद में हो? तो जब तक तारतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो हम नींद में ही होते हैं, पर जब तारतम ज्ञान के द्वारा हमें क्षर अक्षर का पता लगता है, दूध पानी का हमें निर्णय हो जाता है, संसार और परमधाम का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, तब हमारी आत्मा जाग कर खड़ी हो जाती है। और ऐसी घड़ी में करी प्रणाम प्रेम से, यारो परम धाम को जाना है। हम यहाँ आकर के प्रणाम करते हैं पर हमारी सुरता मूल मिला में पहुंचती है जागने के बाद। आप यहाँ काम कर रहे हो, संसार में काम कर रहे हो, परंतु आपकी आत्मा परम धाम में, ऐसा आपको अनुभव होने लगता है जागने के बाद कि हम परम धाम से दूर है नहीं, हमारा तो सब कुछ परम धाम में ही है। ये खेल हम देख रहे हैं, स्वप्न हम देख रहे हैं, माया हम देख रहे हैं, पर अपने निज मूल पति के चरणों में बैठ करके हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, उसी को जागनी कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी का शंखनाद करते हुए इस वाणी को लेकर के, वाणी का विस्तार करते हुए नौतनपुरी धाम से निकले। पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, उत्तरी भारत का उन्होंने भ्रमण किया, प्रचार किया, पैदल यात्रा उन्होंने की। हम लोगों ने सोचा कि हमारे जमाने में हमारे सामने उनका 400वां ये प्राकट्य दिवस आ रहा है, तो हम क्या करें? जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी के सुंदर साथ हैं वहाँ हम रथ लेकर के पहुँचें, प्राणनाथ जी को बिठा करके वहाँ पहुँचे, ताकि सुंदर साथ को प्राणनाथ जी से मिलने का आनंद प्राप्त हो। 400 साल पहले नहीं थे हम, नहीं मिल सके, पर आज किसी न किसी रूप में मिल सकते हैं ना। ये प्रतीकात्मक है, मूल का एक प्रतीकात्मक जो है प्राणनाथ जी का आविर्भाव हम मान करके ये कार्य करते हुए चले। तो लगभग मुझे लगता है कि मैं रायपुर में प्रवचन करने के लिए आया था, उस बीच एक दिन वाठापाड़ा में, यहाँ भी करीब 3 घंटे के लिए कुछ कार्यक्रम करने के लिए मैं आया था, और एक मंदिर के सामने प्रवचन हुआ था। अब पुराने लोग, कुछ लोगों को याद होगा, मुझे ज़रूर याद है, जब से रथ यात्रा का हम लोगों ने प्लानिंग किया ना कि 20 चरण में हम लोग रथ यात्रा करेंगे, तो इस रूट में जाते हुए भाटापाड़ा भी जरूर जाएंगे, ऐसे जाया नहीं जाता, पर इस बार प्राणनाथ जी को साथ लेकर के, प्राणनाथ जी के साथ हम जरूर पहुंचेंगे, ये सोच हम लोगों ने बना लिया। हम सब मिलकर के प्राणनाथ जी महाराज के जय जयकार कर रहे हैं, और 3 घंटे के लिए इस हाल को हम लोगों ने मंदिर बनाया, 3 घंटे के लिए इस हाल को हमने मूल मिलावा बनाया। देखिए, जहाँ राज श्यामा के चरणों में हम लोग बैठे हैं तो वही आनंद मिल रहा है जो मूल मिला में मिलता है। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इतना पलक न पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपने, जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग कसम। आज मूल मिलाव का आनंद, राज्य के चरणों में बैठने का आनंद हमें यहाँ पर मिल रहा है, और इसी प्रकार का आनंद जीवन में मिलता रहे, घर घर में मिलता रहे, क्योंकि जब परम धाम जाएंगे तब तो जाएंगे ही, पर जब तक संसार में रहे तब तक संसार को भी परम धाम बना करके रहे ना, तभी तो लोग कहेंगे कि परम धाम को मानने वाले कितने महान होते हैं, कितने आदरणीय होते हैं और कितने संस्कारी होते हैं।
इसलिए घर घर में हम परम धाम का कुछ अंश उतारने के लिए प्रयास करें, और जब तक संसार में रहें इतना अच्छा व्यवहार, इतनी अच्छी बोली और इतना अच्छा कर्म हम करके दिखाएं कि लोग सोचे हाँ हमें भी ऐसे ही पंथ में, ऐसे ही मार्ग में दीक्षित होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं, यही तो परम पद है, यही तो मोक्ष पद है, यही तो जागनी है। हम सब जागें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जहाँ व्यक्ति जागता है ना, सब जगह सबको जगा देता है, सोया हुआ व्यक्ति सबको सुला देता है ना। एक आदमी सोता है तो दूसरे को भी सोने की इच्छा होती है। मैं कभी कभी गाड़ी में देखता हूँ, एक व्यक्ति को नींद आती है तो गाड़ी में जितने बैठे हैं सबको नींद आती है ना, सोया हुआ सबको सुला देता है। और एक आदमी जागता है तो अपने आह्वान से, अपनी आवाज से सोए हुए समाज को भी जगा देता है। एक लेख में, एक पत्रिका में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हिंदू जीवन था म्रियमान, महामति ने फूके प्राण। किसी ने एक आर्टिकल लिखा था कि जीवन जब म्रियमान हो जाता है, मृत तुल्य हो जाता है, प्राण फूकने वाला कोई आता है और प्राणनाथ जी भी जीवन में प्राण फूकने के लिए आए हैं, हम सबके जीवन में उन्होंने प्राण फूका, आज आपके जीवन में भी प्राण फूका, और आप सब जागृत होकर के इस कार्यक्रम में संलग्न हुए, सबको बहुत बहुत बधाई। प्राणनाथ जी के प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी के अवसर पर आपको मंगल कामना, शुभ कामना। देखिए सारा कार्यक्रम जो हो रहा है ना, हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारण कर रहे हैं, 1 जनवरी से प्रसारण कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो आज से ही आप लोग प्रयास करें देखने के लिए। रात को 9 बजे जय पारस चैनल, उसमें हम लोग सारा जागनी यात्रा का कार्यक्रम और ये प्रवचन सब हम लोग दिखाते हैं, 40 मिनट हम लोग दिखाते हैं। टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो आप लोग जरूर चेंज करा लें और उसमें उसको अपने घर रखें, क्योंकि 1 साल तक ये देखते रहोगे, 1 साल तक परमधाम देखते रहोगे, 1 साल तक अपने धर्म की बात, अपने गुरुओं की बात, अपनी वाणी की बात आप देखते रहोगे, और ये सफल हुआ हमारा 1 साल में तो आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। इसलिए अब कितने देखें फिल्म, कितने देखें न्यूज चैनल, अपने ही धर्म को देखें ना, अपने ही गुरुओं को देखें, अपने ही पद्धति को देखें, अपने ही सिद्धांत को देखें। इसके लिए आप लोग उस चैनल में देखने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, ये चतुर्थ शताब्दी नौतनपुरी धाम से प्रारंभ होकर के पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है, पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली में मनाने के निश्चित किया है 18 से 23 सितंबर तक। वो बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप लोग जरूर पधारें और उस कार्यक्रम के भी सहभागी आप लोग बने। महामति का यही विचार, सुख शीतल करु संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी 14 भवन, प्राणनाथ जी का कहना मानो, पहले आप पहचानो, प्राणनाथ जी हैं अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार। प्रणाम। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं, चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं, महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं।